Hi everyone, welcome back to my channel Capture Candico. First of all, thank you so much to all my subscribers, and if you are a new viewer, hi and welcome. My name is Chandni and welcome to Capture Candico. तो आज का जो वीडियो है वो है एपिसोड 2 ऑफ एवरीडे एसेंशियल्स. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर हैं एंड मेकअप सीख रहे हैं या फिर आप बहुत यू नो एडवांस्ड मेकअप किट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो क्या बेसिक आइटम्स है जो आपके मेकअप किट में होने ही चाहिए, जिसके बिना मेकअप आपका इनकम्प्लीट रहेगा. बहुत ही ज़्यादा मैंने बेसिक प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं एंड इन चीज़ों से पूरा का पूरा मेकअप सीख सकते हैं. फटाफट से शॉर्ट एंड स्वीट एंड बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बताती हूँ तो क्या बेसिक प्रोडक्ट्स आपको चाहिए. सो बिगिन विथ, फर्स्ट वन है प्राइमर. हमेशा अपने मेकअप किट में हमेशा प्राइमर रखिए, बिकॉज प्राइमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. प्राइमर का काम ये होता है कि वो आपके स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर बना देता है, जिससे आपकी स्किन डैमेज होने से बचती है. तो आप जितना भी मेकअप लगाते हैं, ऑब्वियसली स्किन तो डैमेज होती है, बट चांसेस थोड़े से कम होते हैं डैमेज होने के. सो फर्स्ट वन विच यू शुड हैव इज अ प्राइमर. नाउ सेकेंड वन जो होता है वो होता है फाउंडेशन. हम सबको पता है फाउंडेशन के बिना तो मेकअप हो ही नहीं सकता है. अब मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन इंक्लूड किया है, कोई कंसीलर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मेकअप करेक्टर नहीं. तो अपना फाउंडेशन को थोड़ा सा अच्छा लीजिएगा एंड देखिएगा फुल कवरेज का फाउंडेशन हो, ताकि आपको और भी ये सारे एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो. एक फाउंडेशन को ही अगर आप अच्छे से लगा लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा पूरा फेस अच्छा कवर हो जाएगा. ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लेमिशेज है, सब अच्छे से कवर हो जाएंगे. तो फाउंडेशन एक अच्छी सी ब्रांड का एंड फुल कवरेज का चूज़ कीजिए. नेक्स्ट, उस मेकअप को सेट करने के लिए, अब आपका प्राइमर और फाउंडेशन तो आपने लगा लिया, अब उसको हमें करना पड़ता है सेट. तो सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है पाउडर. तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर में भी जा सकते हैं एंड आप लूज़ पाउडर में भी जा सकते हैं, बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप एक लूज़ पाउडर लीजिए कॉम्पैक्ट के यू नो जगह पे, क्योंकि लूज़ पाउडर के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, उससे अच्छा एंड बिल्कुल सही मेकअप सेट होता है. तो थर्ड वन जो आपको रखना है वो है एक लूज़ पाउडर. नाउ फोर्थ चीज़ जो आपको चाहिए वो होता है एक काजल. अब आपके पास अगर काजल है तो उसके मल्टीपल यूज़ आप कर सकते हैं. काजल से ऑब्वियसली आप काजल लगा सकते हैं, काजल से आप आईलाइनर भी लगा सकते हैं, एंड अगर आपको यू नो आपके पास आई शेडो पैलेट नहीं है कोई भी, तो आप काजल की हेल्प से स्मोकी आईज भी बना सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है काजल. और भी आपको कहीं तिल वगैरह लगाना हो तो उस काजल से ही आप लगा सकते हैं. एंड एक और यूज़ अगर मैं काजल का आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो हमारे अनइवन बाल होते हैं, आप थोड़ा सा काजल लगा के उनको सेट कर सकते हैं. देखिएगा आपका बिल्कुल एक प्यारी सी लाइन आ जाती है एंड आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं. सो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो आपको चाहिए होता है वो होती है एक लिपस्टिक. तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है लिपस्टिक, प्लस लिपस्टिक के भी यहाँ पे मल्टीपल यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज़ आप लिपस्टिक से लिपस्टिक ऑब्वियसली लगा सकते हैं. अगेन आपके पास अगर कोई आई शेडो नहीं है तो आप जो कलरफुल लिपस्टिक्स होती है वो यहाँ पे लिपस्टिक थोड़ी सी लगाकर उसको अच्छे से फैला लीजिए, वो आपका एक आई शेडो का काम करती है. प्लस अब आपके पास कोई अगर ब्लश या कॉन्टोर नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी उसे यूज़ कर सकते हैं. करना ये है आपको पिंक या रेड कलर का लिपस्टिक लेना है, अपने गालों पे थोड़ा सा लगाना है एंड उसको अच्छे से हाथ की हेल्प से या स्पॉन्ज से उसको अच्छे से फैला देना है. देखिएगा वो कितना अच्छा ब्लश का काम करती है. एंड और अगर आपके पास ब्राउन कलर की लिपस्टिक है तो ब्राउन कलर की लिपस्टिक से आप कॉन्टोर का काम भी कर सकते हैं. कोई झंझट ही नहीं है एडिशनल आइटम्स रखने की. तो ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स जो आपके मेकअप किट में होने चाहिए. अगर आप बिगिनर हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर रखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएंगे. इफ़ यू आर ए बिगनर, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा एडिशनल आइटम्स अपने किट में ऐड मत कीजिए, पहले इन प्रोडक्ट से ही स्टार्ट कीजिए. देखिए आपसे हो रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही हैं, एक बार आपका हाथ बैठने लग जाए, आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ, तो देन गो फॉर एडिशनल आइटम्स. तो ये था हमारा आज का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. साथ ही मुझे छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाइएगा एंड हम मिलेंगे अगले यूज़फुल वीडियो में. तब तक के लिए बाय.